here's me bringing you the latest on exercise. एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंस तो अभी सबको पता है, तो उसके बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है कि एक्सरसाइज हम सबको करनी चाहिए. लेकिन व्हेन वी आर एक्सरसाइजिंग, फॉर एक्सरसाइज टू बी इफेक्टिव, इट नीड्स टू बी स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज. तो स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज मतलब क्या? स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज के चार कॉम्पोनेंट्स होते हैं, स्ट्रेंथ, स्टैमिना, स्टेबिलिटी और स्ट्रेचिंग. आप इसको 4 S's कह सकते हो. आपके हफ्ते में इन चारों कंपोनेंट्स को स्टिम्यूलाई या एक्टिवेशन मिलना चाहिए. कितना एक्टिवेशन मिलना चाहिए? उतना ही एक्टिवेशन मिलना चाहिए जिससे कि आप आपके पूरे दिन में रिकवर कर पाओ. तो ना ओवर एक्सरसाइज होनी चाहिए या अंडर एक्सरसाइज, बिकॉज अंडर एक्सरसाइजिंग इज जस्ट एज बैड एज ओवर एक्सरसाइजिंग. स्ट्रेंथ के लिए आप जिमिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग घर पर कर सकते हो. स्टैमिना के लिए आप साइकिलिंग, रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग ऐसे एक्टिविटीज़ कर सकते हो. स्ट्रेचिंग और स्टेबिलिटी के लिए आप योगा कर सकते हो. पर चारों एसेस को आपको हर हफ्ता एक्टिवेट करना है. वन एक्सरसाइज इज नॉट बेटर देन दी अदर. हैविंग अ स्ट्रक्चर्ड रूटीन विच एक्टिवेट्स ऑल फोर इज इम्पॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ. गुड हेल्थ मतलब क्या? गुड हेल्थ मतलब हैविंग गुड बॉडी कॉम्पोजिशन, जहाँ पर आपका फैट मास कम रहे और मस्क्यूलेचर और बोन डेंसिटी बढ़ती रहे. क्योंकि उम्र के साथ बोन डेंसिटी और मस्क्यूलेचर कम होता है. इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कई सारे डिसीजेस जैसे डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट डिसीज हो, इनका रिस्क उम्र के साथ बढ़ता है. उम्र के साथ इसलिए बढ़ता है क्योंकि उम्र के साथ मसल मास और बोन डेंसिटी कम होता है. तो टू रिड्यूस द लॉसेस ऑफ बोन डेंसिटी एंड मसल मास, वॉट कैन यू डू? नंबर वन, स्टे वेरी एक्टिव इन योर चाइल्डहुड. तो आपके अगर बच्चे हो या आपके अराउंड बच्चे हो या अभी वेकेशन में अगर आपके यहाँ पर आपके नेफ्यूज़ और नीसेस आए हुए हो, तो उनके लिए एक्टिव डेज प्लान करें. दे शुड स्पेंड लेसर टाइम ऑन गैजेट्स एंड स्क्रीन्स एंड मूवीज़, एंड दे शुड स्पेंड मोर टाइम रनिंग अराउंड. तो उनको ट्रैक पे लेके जाइए, साइकिलिंग ट्रैक पे लेके जाइए. स्टे एक्टिव, बिकॉज द मोर एक्टिव यू आर इन योर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, द बेटर प्रोटेक्शन यू हैव पोस्ट 50 इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान में रखिए. तो दैट्स द फर्स्ट थिंग. सेकेंडली, इफ यू आर अ गर्ल, तो you should know that what is now well known about women is that we seem to be paying a lot more attention to how thin we are looking versus really how good we are feeling from inside. So how good we are feeling from inside, how energetic we are feeling through the day, how smooth our periods are, how well we are able to complete all our tasks for the day, how wholeheartedly we are able to pursue our ambitions and aspirations, that is much more important than how skinny our waist is looking. So eat well, and do know that when you exercise, you get the advantage of appetite regulation. Matlab, you will never land up overeating or undereating because of, because you exercise, so you get better leptin sensitivity. So you will know exactly where to stop eating. तो डर के कम मत खाना खाइए. जितना खाना है उससे कम, consciously उससे कम मत खाइए. Just get regular exercise and the appetite regulation will become a natural byproduct of it. How much exercise do you need? At least 150 minutes per week. मतलब 2.5 to 3 hours per week, 4 S's को आपको dedicate करना है. And lastly, as an older adult, तो older adult कौन है? I think all of us are older adults, but technically अगर आप उसे देखो तो anyone who is in the range of 40, in the range of 50s, 60s will come in the category of older adults. The big risk in this age group is that muscle losses are faster, almost 3 times as faster as they are in our young age. हर decade, मतलब हर 10 years में बहुत massive muscle loss और bone density के losses होते हैं. इसीलिए अ 60-year-old कैन लुक मच यंगर देन अ 70-year-old, यू नो, बिकॉज ऑफ द लॉसेस इन द बोन डेंसिटी. तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या करना है? इसको प्रिवेंट करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी है. और एक्सरसाइज में अगेन सेम थिंग, द 4 S's एंड एटलीस्ट 150 मिनट्स
पर वीक, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं और जब हम मसल और बोन डेंसिटी रिटेन करते हैं तो तभी हमारे हॉर्मोन्स, हमारा हार्ट, हमारे बोन्स और हमारा ब्रेन अच्छा चलता है। और हम यही सोचते हैं इंडिया में कि मैं अपने मरते दम तक आई शुड बी एबल टू बी ऑन माय फीट। सो वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरवेंशंस विच विल अलाउ अस टू बी ऑन आवर फीट मरते दम तक, बिकॉज इट हैज़ यू नो इट हैज़ इट डज शो सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स इन ऑल ऑफ द डिसीज आउटकम्स, इज रेगुलर एक्सरसाइज, बिकॉज इट प्रिवेंट्स लॉस ऑफ बोन मिनरल डेंसिटी। So here's to the latest on exercise, regularly exercise कीजिए, know that exercise is a priority। ऐसा नहीं है कि मैं मोटी हूँ या पतली हूँ इसलिए मुझे एक्सरसाइज करनी है, मैं जिंदा हूँ इसलिए मुझे एक्सरसाइज करनी है। So bear that in mind and all the best।